नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बड़ी नरेश ठाकुर के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, शायद नवंबर या दिसंबर में पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हम 2015 का क्वेश्चन पेपर आज विधान सखीज के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें किसने डांटा? तो इसका आंसर रहेगा, ये प्रश्नवाचक श्रेणी का वाक्य है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि यह कौन सी श्रेणी का वाक्य है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो इसमें विशेषण क्या है आपको इसमें निकालना था, तो इसमें विशेषण रहेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो इस वाक्य में आपको विशेषण ढूंढना है, तो इसका विशेषण रहेगा 2.5 मीटर का कपड़ा, इसमें विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपोजिट जेंडर पूछा गया है बालकों शब्द का, तो बालकों शब्द का अपोजिट जेंडर रहेगा बालिकाओं। कृष्ण ने कंस को मारा, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कर्ता और कर्म क्या है, तो इसमें कर्ता कृष्ण है और कर्म आपका रहेगा कंस। क्वेश्चन नंबर 5 में इस वाक्य का मतलब पूछा गया है, मीनिंग क्या है इस वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की सरहदों पर सेना के सिरों पर कफन बांधे रहते हैं, तो इसका मतलब रहेगा मरने को तैयार रहते हैं हमारे सेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भारतीय सेना के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें, तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद आएगा उसमें विद्या प्लस आल्य। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कौन से टाइप की क्रिया इस वाक्य में यूज की गई है, वह सैर को जाया करता है, तो इस वाक्य में यह सक्रमक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए हैं, इस वाक्य का अर्थ बताओ। उसे देखकर मेरे रेंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई भयभीत हो जाता है, हैरान होना, इसका मतलब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूनतम का विलोम शब्द पूछा है, और इसका न्यूनतम रहेगा पुरातम। एक होता है न्यूनतम नया और पुरातम पुराना। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत बोलता है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत बोलने वालों को बाचाल भी बोलते हैं, तो यही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, तो चतुर की चतुराई भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12 में मुहावरे का मतलब पूछा गया है, बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि यह मुहावरा है, नाक साफ करना, मुहावरा नहीं है, यह मुहावरा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, गुदड़ी का लाल क्या होता है, तो उसका मतलब होता है होनहार, काबिल। 14 क्वेश्चन को हमने कर लिया है, उसके बाद अब हमारा इंग्लिश का पार्ट शुरू हो रहा है। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन आया था, व्हेन ही वॉज गोइंग ही कुड हैव क्रॉस द रिवर, फिलिंग द ब्लैंक्स था, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना था। व्हेन ही वॉज गोइंग ही कुड हैव क्रॉस द रिवर। क्वेश्चन नंबर 2, ही विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल राम कम्स बैक, वह इस जगह को नहीं छोड़ेगा जब तक राम वापिस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जंबल सेंटेंस है, 6 वर्ड का यह वाक्य है, इसको आपको पूरे एक सही प्रॉपर वे में लिखना है, तो इसका आंसर आएगा द केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल्स, तो इसको आप आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं, ECBAFD। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपको जंबल सेंटेंस आया है, तो इसको आपको ठीक करना है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आएगा आंसर आपका, देयर आर बेसिक 100 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आई टेक अ टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा टी इज टेकन बाई मी एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, ही डज हिज स्टडी, तो इसका आंसर आएगा ही डज नॉट डू हिज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आई नो हिम, तो इसका फ्यूचर परफेक्ट बनेगा आई शैल हैव नो हिम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स था, हाउ डेयर यू ओपन माई कपबोर्ड, हाउ डेयर यू ओपन माई कपबोर्ड, ओपन इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में कंबाइन द टू सेंटेंसेस बाई यूजिंग इंस्पाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है इंस्पाइट ऑफ का यूज करके, तो यहाँ पे आपका आंसर आना था इंस्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हिज लूज हार्ट, ही डिड नॉट लूज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इंस्पाइट ऑफ का यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो इसका आंसर आएगा इंस्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हार्ट।
प्लूरल आपको बताना है माउस का, तो प्लूरल आएगा माउस का माइस। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जेंटलमैन का जेंडर चेंज करना है, तो इसका आंसर आएगा जेंटलमैन का आएगा लेडी या जेंटल वोमेन। फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका सी टोल्ड मी टू वॉक स्ट्रेट, टोल्ड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है टू हैंग वंस बूट, इसका मीनिंग आएगा टू रिटायर, कि रिटायर के आसपास बंदा पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको काइंड का सिनोनिम बताना है, तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बिनुलेंट। तो अब आता है जीके, जीके वाला पार्ट आ चुका है, तो यहाँ पे आप सकते हैं अमजद अली क्या बजाते थे, अमजद अली सितार बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्रम वाइज शब्दों को लिखना है, तो चार ऑप्शन है, पहला है नेटवर्क, नंबर, मोबाइल और बात करना। तो सबसे पहले आएगा मोबाइल, नंबर, नेटवर्क और बात करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, पूर्ण क्रम बनाए, न्यायालय, इंसाफ, मुकदमा और झगड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा झगड़ा, मुकदमा, न्यायालय और इंसाफ। क्वेश्चन नंबर 4 है तीन ट्रैफिक बत्तियां 10, 15 और 20 सेकंड पर चमकती हैं, तो वे प्रातः सुबह 6:10 पर चमकती हैं, तो वह दोबारा कब चमकेंगी। एलसीएम निकालना है आपको 10, 15 और 20 का, इसका एलसीएम आया 60, तो अब 6:10 पर एक जमा कर दें, तो अब वह 7:10 पर दोबारा चमकेंगी। तीन ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 सेकंड पर चमकती हैं, वे प्रातः सुबह के 6:10 पर चमकती हैं, तो दोबारा कब चमकेगी। तो इसका आंसर आएगा आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है 10, 15 और 20, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 60, और 60 तो फिर 6:10 में आपको एक जमा करना है, तो इसका आंसर आएगा प्रातः 7:10 पर। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डी इज अ फादर ऑफ सी, द रिलेशनशिप ऑफ डी एंड ए विल बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी एंड डी इज अ फादर ऑफ सी, तो ए बी सी आपकी भाई बहन हुए, और द रिलेशन ऑफ डी एंड ए विल बी डॉटर, बेटा और बाप का रिश्ता बना। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ ए इज 2, एम इज 26 और जेड इज 52, देन बी प्लस ई प्लस टी किसके बराबर होगा। इफ ए इज 2, एम इज 26, जेड इज 52, तो इन्होंने जो ए बी सी का जो क्रम है उसको 2 के साथ गुना कर दी है, तो फिर बी आएगा हमारा 4 और ई आएगा हमारा 10 और टी आएगा हमारा 40, तो इसका आंसर आएगा 54। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंट्रल का कोड दिया गया है ए बी सी डी ई डी जी और प्लेटरन का कोड है एच डी डी सी बी डी ई एफ आई जे के, तो लैंटर्न का क्या कोड आएगा, तो इसका कोड आएगा जी एफ सी डी बी ई सी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। रैम का कंप्यूटर में क्या अर्थ रहता है, तो रैम का कंप्यूटर में अर्थ रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हिमाचल का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लाहौल स्पीति। आपको मैथ का क्वेश्चन पूछा है तीन कुर्सियों और दो मेजों की कीमत 700 रुपये है और पांच कुर्सियों और तीन मेजों की कीमत 1100 रुपये है, तो दो मेज और दो कुर्सियों की कीमत निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको इसकी समीकरण बनानी है, समीकरण आपने बना दी, उसके बाद I1 को 3 के साथ गुणा करनी है और I2 को 2 के साथ गुणा करनी है। 200 + 400 = 6 कीमत आई। दो व्यक्तियों को 4:5 रुपये में बांटा गया है, तो क और ख को 5 रुपये कम मिले, तो कुल कितने रुपए थे, तो इसका आंसर आएगा बी 25 + 20 = 45 रुपीज कम थे। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% बट्टा छूट देकर किसी वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है, यदि वह कुछ बिना छूट दे तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा। तो माना अंकित का मूल्य 100 रुपये है, 20 रुपये छूट मिली प्लस 30% उसको क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया और अंकित मूल्य 130 रुपये हो गया, और उसके साथ आपका आंसर आएगा 62.12%। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एक बैग में 8 नीली, 5 लाल, 4 हरी, 7 काली गेंदे हैं, यदि बिना देखे एक गेंद निकालता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना क्या है कि वह हरी गेंद नहीं है। तो सबसे पहले आपको उनको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद 4 गेंदे हरी हैं, तो उसके बाद उसको
डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 24, तो संभावना आएगी 5.6, क्योंकि संभावना नहीं आने की है। पूछी भी आने की संभावना पूछी होती तो आंसर आता आपका 1/6। अगर नहीं आने की पूछी है तो इसका आंसर आएगा 5.6। रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल पर आप भूकंप को मेजर करते हैं। आईपीएल का क्या अर्थ है? तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का अर्थ था। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था? तो उस वक्त श्री जेपी नड्डा थे। आजकल कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बीसीसीआई से क्या बनता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट काउंसिल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तो और खाने पर 96 रुपये खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु उनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके, परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देने पड़े, तो कुल कितने लोग पिकनिक पर गए होंगे? तो इसको भी आपको सॉल्व करके लिखना है। कुल खर्चा आपका एक्स आ जाएगा 96, इक्वेशन 1 बन गई उसके साथ ही। तो फिर आपको कुल खर्चा आपका आ गया एक्स इक्वल टू 96, और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको, क्योंकि 4 लोग नहीं गए थे पिकनिक पर और उनको 4 रुपये ज़्यादा देने पड़े, तो 4 रुपये ज़्यादा देने पड़े तो खर्चे में आपको +4 करना पड़ेगा और एक्स -4 निकालना पड़ेंगे, क्योंकि लोग एक्स हमने कंसिडर किए हैं। तो उसकी दूसरी इक्वेशन बनती है एक्स इक्वल टू 104। तो वही फिर इसको 104 -96 से माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 8, क्योंकि एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 पे हमने यहाँ पे डाली, तो उसके बाद इसका आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, एक मैदान में कुछ बतके हैं और कुछ बकरियां हैं, उनके कुल सिर 70 हैं और कुल पैर 224 हैं, तो बतकों के कुल संख्या बतानी है आपको। अगर आप मान लेते हैं बतके एक्स हैं और बकरियां वाई हैं, तो उनके कुल सर हैं एक्स प्लस वाई, इक्वेशन आपकी बन गई इज इक्वल टू 77। और दूसरी इक्वेशन आपकी बनती है कुल पैर हैं 2x+4y 224। तो यहाँ पे आपको पहली इक्वेशन को 4 के साथ गुणा करना है और दूसरी इक्वेशन से उसको घटा देना है, तो इसका आंसर इन्होंने आया x इक्वल टू 42। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन पूछा है, राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है, तो उसे 3.5 किलोमीटर में चलने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटे में चलता है 1 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? तो 3.5 × 4 इज आ गया 14 घंटे, परंतु 1 घंटे के बाद 20 मिनट आराम करता है, 13 घंटे इसको समय लगेगा चलने में। टोटल समय नहीं पूछा इसमें, चलने का समय ही पूछा, तो उसमें 13 घंटे हो गए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। शिमला 1947 में पहले किसकी राजधानी थी? अविभाजित भारत की राजधानी थी। 1947 में शिमला अविभाजित भारत की राजधानी थी। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, मथुरा शहर गंगा नदी के किनारे पर है या नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गंगा किनारे की नदी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? तो रेड डिलीशियस सेब की किस्म है। ओलंपिक में किसने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने ऐसा कहा था। SAARC का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया है। KYC का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं KYC कर लो, अपना KYC अपडेट कर लो, तो KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? 2015 में हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री बृज बिहारी पटेल थे। और अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 में 9 का अनुपात पूछा है, तो 7 क्रमशः 7:49, 6 का अनुपात 36, 4 का अनुपात 16, तो 9 का क्या आएगा 81। क्वेश्चन नंबर 35 में, जब सैनिक आई तो तब चली गई, इस वाक्य में भेद क्या है? संयुक्त। हिंदी शेर में कोपू और क्रिसानु का क्या अर्थ है? कोपू मतलब क्रोध और क्रिसानु का मतलब आग। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है,
पुलिस कांस्टेबल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा कर रहा है। यदि आरंभ में चोर और कांस्टेबल की दूरी 500 मीटर हो जाती है तो सिपाही कितनी दूरी बाद उसको पकड़ लेगा? तो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका स्पीड इंटू टाइम, और चोर की दूरी है 6 × 1 इसको 6 किलोमीटर, और सिपाही की दूरी 8 × 1 तो इसका 8 किलोमीटर, और उसका डिफरेंस आएगा 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की दूरी करने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी करेगा तो आधे घंटे में 50 मीटर की दूरी करेगा, तो 1/4 मतलब 25 मिनट यहाँ इसका आंसर आएगा, या 1/4 घंटे में दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, श्याम ने 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और 33 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ कितने परसेंट आया? तो खरीद लिखनी है यहाँ पे, खरीद लिख दी, बिक्री लिख दी, कुल खरीद कितनी हुई, फिर बिक्री लाभ आपको निकालना है इसका। तो 56% के लाभ के साथ श्याम ने खिलौने बेच दिए। आगे क्या आएगा? 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17 फिल इन द ब्लैंक्स, और 33, 17, 19, 33 आएगा। विजय कुमार किस खेल शेष बंद रखता है? शूटिंग शेष बंद रखते थे विजय कुमार। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र का पुराना नाम पटना है। उपग्रह छोड़ने वाले स्टेशन कहाँ है? श्री हरिकोटा में। तो ये 2015 में क्वेश्चन पेपर आया था, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2023 में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की और भी क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरह से हम आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।